उसको डर लगता था कहीं गेम वेम नहीं खेल रहा है। हाँ। लेकिन हम जब चेक करते थे तो पीछे में शीशा है, शीशा से चेक करते थे तो लगता नहीं तब पढ़ रहा था। मुझे ये नहीं पता था कि सर 99 पॉइंट कुछ आ जाएंगे। दूसरी बात है सर, जब मैं 39 परसेंटाइल आया था तो मैं सर झूठ बोल दिया करता था, सर 80 परसेंटाइल आ रहे हैं, 80 परसेंटाइल आ रहे हैं, कि लोग क्या सोचेंगे, ये सब बहुत माइंड में आता ही रहता था। देन आई थॉट सर टू टेक ड्रॉप। हेलो अपूर्व। हेलो सर। तो अपूर्व, सबसे पहले तो बहुत 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 बधाई हो भाई। अपूर्व देवघर झारखंड से हैं, जिनकी जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में थी 39 परसेंटाइल, और जो अभी सितंबर में एग्जाम हुआ उसमें इन्होंने क्रैक मारी है 99.5 परसेंटाइल। तो यार ये जो 39 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल की जो जर्नी है यार, ये बड़ी मतलब इम्पॉसिबल सी जर्नी लगती है, सुन के ही विश्वास देता है 39 से 99 परसेंटाइल। तो बच्चों जो ये जर्नी है ना, ये इनकी जर्नी, ये जर्नी है जो ये विश्वास दिलाती है कि यार कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर मेहनत लगन और सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करी जाए ना तो कुछ भी पॉसिबल है। अपूर्व, हम आपसे सारे सीक्रेट जो है 39 से 99, आप कैसे लाए, कैसी जर्नी रही, कैसे इमोशनली आपने ओवरकम किया वो 39 परसेंटाइल वाला रिजल्ट, यार डेफिनेटली बहुत मुश्किल रहा होगा, फिर कैसे आप 99 परसेंटाइल तक पहुंचे, वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। Okay. जो आपकी जनवरी अटेम्प्ट तक की जर्नी कैसे रही और आपने कौन सी क्लास में एग्जाम दिया है ये वाला? सर मेरा जर्नी से स्टार्ट होता है, सर मैं बोकारो से 10+2 किया, उसमें मुझे सर अच्छा परसेंट आई, और सर बट सर जेईई मेंस के लिए मैं तैयार नहीं था, प्रिपेयर नहीं था, और सर मस्ती में एक में सर दे दिया, और फिर मैंने सर सोचा कि आगे बढ़ने का, तो सर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सर मैंने एडमिशन करवा लिया, बट सर फीस ज्यादा होने के कारण सर मैंने स्टेप बैक की। सर मैंने देखा कि मेरे दोस्त ने सर ड्रॉप ले लिया था सर, वो देन आई थॉट सर मुझे भी ड्रॉप। यस सर। ओके, मतलब आपका क्लास 12th में आपने मजे में जेईई मेन दिया था तो प्राइवेट कॉलेज में, तो तब एडमिशन हो गया था। यस। फीस ज्यादा होने के कारण से आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया था, ठीक है। यस सर। तो फिर आपको कैसे हुआ कि चलो 13th में जेईई की तैयारी करते हैं? सर क्योंकि सर मेरे दोस्त का भी सर उसी टाइप का हाल था, बट उसने सर उस टाइप का हाल था सर, बट मुझसे अच्छा हाल था, मीन्स उसके अच्छे परसेंटेज थे, बट सर उसने ड्रॉप ले लिया था, तो सर मुझे लगा कि सर अगर उसमें गट सर तो शायद हम भी ले सकते हैं, और कोशिश करने में क्या जाता है। देन आई थॉट सर टू टेक ड्रॉप। ओके, तो दोस्त ने ड्रॉप लिया तो चलो यार, वो होती है देखा देखी सर, वैसे सर देखा ऐसे करके सर मैंने भी ड्रॉप ले लिया के देखा देखे, आपने भी फिर ड्रॉप लेने की सोच ली, ठीक है। yes, तो फिर आपने जब ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेने का जब सोचा, तो फिर आपने कहां कैसे तैयारी करी जनवरी अटेम्प्ट तक? फिर सर फिर मैं कोटा सर शिफ्ट हो गया, कोटा में एक इंस्टीट्यूट में सर एडमिशन करवा लिया, ठीक है। सर जनवरी से मींस सर अप्रोक्स 5 मंथ्स पहले मैं कोटा पहुंच ही चुका था, ठीक है। बट सर मेरी तैयारी सर उतनी उस लेवल की नहीं हो सकी, एज सर स्टूडेंट मैं ब्रीफ नॉलेज सब पहले चुका था, बट सर वैसी तैयारी नहीं हो सकी जो मैं जेईई मेंस में कुछ अच्छा कर सकता था, बिकॉज सर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं बना पा रहा था, मींस लेवल ऑफ क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पा रहा था, दैट वाज सर, एंड डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे थे सर, मींस इफ सर डाउट कम्स टुडे देन सर 2-3 दिन बाद उसे सर कवर अप किया जाता था, तो तब तक सर खुद ही भूल जाता था कि सर मुझे किस पॉइंट पे डाउट है, डायरेक्ट सर क्वेश्चन का आंसर कर दिया करते, तो ऐसा कुछ डाउट क्लियर भी नहीं हो पाता था। और सर जब सर मैं टेस्ट दिया करता था तो सर सबसे बड़ा डिमोटिवेट का कारण उसी टाइम होता था सर कि मेरे बगल वाले सर मींस माय बैचमेट सर वो बहुत अच्छे अच्छे सर मार्क्स लाया करते थे, बट मैं सर उतने अच्छे नहीं पास कर पाता था, मुझे सर लगता था कहीं ना कहीं कि ये क्या हो रहा है, वो लोग वही चीज पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, फिर मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तो सर वो वेरी डिमोटिवेटिंग था सर उस टाइम के लिए। और सर दूसरा है कि सर जब बगल वाला सर जो आपके जस्ट बगल में बैठा है वही चीज पढ़ रहा है और वही चीज सब समझ रहा है सर, और आप उस जगह मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं तो और खराब लगता है, और ऊपर से सर वहाँ पे कोई मोटिवेट करने वाले टीचर भी नहीं थे जो आपको दिन मोटिवेट कर सके कि नहीं टेस्ट में खराब आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक कारण सर। तो अपूर्व, तुमने 13th में जब फिर जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट दिया, 39 परसेंटाइल एकदम रिजल्ट देखकर डेफिनेटली जमीन खिसक गई होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, तो क्या सिचुएशन थी उस टाइम पर, मतलब घर वालों का क्या रिएक्शन था, मारा पीटा तो नहीं, जायदाद से बेदखल तो नहीं कर दिया क्या रिएक्शन था, मतलब तुम्हारी क्या स्थिति उस टाइम पर?
हालांकि सर मारा पीटा तो ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि मैं कोटा में था। बट सर एक जब मेरे इधर से सर मेनली सर हम लोग इधर से जब कोई लड़का कोटा जाता है तो सर वो जाते ही सब समझ जाते हैं कोटा गया तो कुछ ना कुछ हासिल करके ही आएगा, ऐसा है यहाँ का सर। दूसरा बात सर 39% जब आया तो सर एब्सोल्युटली सर पापा को बहुत खराब लगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करते थे, लेकिन पता चल जाता था सर। और ऊपर से सर 13th में थे हम, तो डू और डाई का सर चीज थी वो कि सर जिस फैक्टर के लिए मैं सर स्टेप बैक किया पैसा के लिए सर, कि उतना इंस्टीट्यूट में पैसा लग रहा है और इधर भी पैसा खर्च हो ही रहा है फिर भी कुछ ना निकालो तो सर ये तो और खराब की बात है। दूसरी बात है सर जब मैं 39% आया तो सर मेरे खुद के हॉस्टल के जो बच्चे थे और मीन्स जो जिन सर जिसे मैं जाना करता था सर, वो कुछ कहीं ना कहीं सर बेहतर लाए हुए थे सर। 90% किसी के थे, किसी के 95 थे। तो सर मुझे जब वो पूछते थे सर कितने परसेंटाइल आ रहे हैं तो मैं सर झूठ बोल दिया करता था सर, 80% आ रहे हैं, 80% आ रहे हैं, क्योंकि सर उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे कि 39 बोल के। सर आपको पता है बहुत ऑकवर्ड लगता है 39, तो सर मीन्स कहीं से भी कोई भी लड़का ला सकता है 39%, उसके लिए सर कोटा आना जरूरी नहीं है। और सर ये कारण सब थे सर, इसी कारण से मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ। कहीं ना कहीं सर ये था कि अब एक अटेम्प्ट और बचा है तो उसमें जम के करना है, बट ये था सर कि लोग क्या सोचेंगे ये सब बहुत माइंड में आता ही रहता था। पापा के दोस्त पूछते थे सर, सब कोई पूछते ही रहते थे कि हाँ क्या कर रहा है वो, क्या नहीं कर रहा है। टाइम मीन्स बहुत मेंटली पीछे चला गया था। तो उसके बाद आपने क्या करा, मतलब क्या डिसीजन लिया, उसके बाद क्या हुआ सर? सर तो उस टाइम सर जब मेरे उतने परसेंटाइल आए थे सर, मैं काफी मीन्स अकेला रहने लगा था। तो मेरे जो दोस्त थे सर वो सर कम वो सम, एक दूसरे को सर समझते थे, तो उसे कहीं ना कहीं लगता उसे दूसरे वैसे पता था मैं कितना लाया हूँ। तो उसे लगता था सर ये हो रहा है, तो उसने मुझे एक सजेशन दिया कि सर वो हालांकि सर 2 साल पहले से ही कोटा में था, वो अच्छे से सबके बारे में जानता था यहाँ पे। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसा है इस सर खुला हुआ है, अभी सारा एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तुम चलो जाके बात कर लो। तो सर किसी दिन टाइम निकला सर, अगले दिन शायद सर अगले ही दिन मैं इसराइल की तरफ चला गया। और वहां गया पहले सर दिन मुझे जो बात हुई सर से, वो पहले तो सर सर ने दोस्त के बारे में सब कुछ पूछा, तो उसके 90% आए हुए थे सर जनवरी में। वो तो सर काफी खुश था, वो फिर भी खुश नहीं था सर, मीन्स यू कैन से ना कि वो अपने मार्क्स को अच्छे से बता सकता था। तो मुझे लगता था कि मुझे सर पूछेंगे कितने परसेंटाइल आए तो मैं बोल दूंगा 80-80। बट सर फिर बाद में याद आया कि सर अगर रिजल्ट मांग लिए तो फिर मैंने सर दिल पे हाथ रख के बोल दिया सर 39% आए हैं। सर ने फिर बोला, सर ने बहुत कुछ बताया कि ऐसे ऐसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सर सर ने भी कहीं ना कहीं उम्मीद जगाई सर कि ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। और दूसरी बात सर सर ने बोला कि तुम्हें सर बहुत वर्क हार्ड करना होगा, क्योंकि सर 39% आजकल कुछ नहीं है सर, 39% यू कैन से सर कुछ ही नहीं है। तुम्हें अगर एडवांस नहीं बैठना है तो सर हमको तुम्हें बहुत मेहनत करना होगा, सर ने ऐसे कहा था। मुझे कहना ये था कि ये मैं करूंगा जरूर सर के लिए। तो अपूर तुमने फिर जब सर के साथ इंटरेक्ट किया, फिर इसराइल ज्वाइन कर लिया, उसके बाद क्या करा तुमने? सर जब मैं सर के साथ इंटरेक्ट किया सर, सब कुछ बात हुई तो सर ने मुझे पहले दिन सर वो खुद की डिजाइन की हुई सर शेड्यूल देती थी, वो 70 दिन के जो बचे थे 70 दिन अगले मंथ के लिए, वो सारे डिजाइन मतलब फॉर्मेट में मुझे मिल चुकी थी सर। तो और मुझे सारे वीडियो लेक्चर इस सर के मिल चुके थे उस टाइम तक, पहले दिन मिल गए थे सर, क्योंकि सर बोले थे तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं सर गया रूम गया सर और मैंने पहले दिन से स्टार्ट कर दी सर, मतलब सर 11 जो मुझे सर जैसे रोटेशनल बहुत डिफिकल्ट रहता, तो मैं पहले वो पढ़ के देखा मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन आई सर मैं तब मैं समझ गया कि ये सफिशियंट है मेरे लिए, मतलब सर कुछ टाइम देने बाद मींस अबाउट 1 वीक देने के बाद मुझे पता चल गया कि सर ये सफिशियंट है और मैं कहीं से भी बैठ के इसका तैयारी कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मेरे पास सब कुछ है ही तो मैं घर में जाके क्यों ना तैयारी करूँ, और असाइनमेंट सब हालांकि मेरे पास सब कुछ आ चुके थे सर, और वो शेड्यूल मिल चुका था जिससे आपको पता चलता है कि सर आप इस दिन क्या करने वाले हो, उससे बड़ी बात कुछ है ही नहीं। तो सर मैंने डिसाइड कर लिया कि घर जाना है। तो तुम पूरा बोरा बिस्तर पैक करके अपने घर चले गए हो? तो तुम अब भाई जब एक जगह छोड़कर वापस अपने घर चले गए, तो भाई तुमने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? मतलब बहुत मुश्किल होता है यार ये चीज कन्विंस करना सर।
तो जब मैंने सर ये डिसाइड करने किया सर, तो मैंने पापा से बात की। पापा बोले क्या कि तुम्हारा ही डिसीजन था कि यहाँ से वहां जाना, तुम्हारा ही डिसीजन था ड्रॉप लेना, तो ये डिसीजन भी तुम ही लोगे तो ज्यादा बेटर है। तो उस तरह से, और मैंने पापा को समझाया कि इस रन में सारे वीडियो लेक्चर असाइनमेंट सब कुछ मेरे मोबाइल में मींस फिट है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, मैं कहीं से भी पढ़ू कोई दिक्कत नहीं है। तो पापा सर इस डिसीजन को सर ले लिए सर। क्या बात है, क्या बात है भाई, पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। देखिए पेरेंट्स ने कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं, जो अपूर्व डिसीजन ले रहा है वो सही है और अपनी इच्छा से जो काम कर रहा है, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और मैं सारे पेरेंट्स को इनकरेज करूंगा कि अपने बच्चों को जो है मोटिवेशन के साथ इनकरेज करें, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं उसके। तो अपूर्व, अब भाई जनवरी अटेम्प्ट के बाद में जब तुम घर चले गए, तो भाई अब घर पे जाने के बाद में तुम रोज ऑन एन एवरेज कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर ऑन एन एवरेज सर अप्रोक्स 11 टू 13 आवर्स सर, इस बीच में मैं पढ़ाई कर लिया करता था। 11 टू 13 आवर्स, और ये मतलब पूरे अप्रैल तक ऐसा मेंटेन रखा था पूरा? ये यस पूरा मेंटेन। क्या बात है, क्या बात है बच्चों। तो देखो यार ये जो कड़ी मेहनत है ना, 11 से 13 घंटे पढ़ना, वो भी डेली, ऐसे नहीं एक दो दिन पढ़ लिया, डेली पढ़ना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यही कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस जिसको हम कहते हैं ना, वही चीज देखिए जीत दिलाती है। तो अपूर्व तुमने कैसे तैयारी करी, मतलब इतना हार्ड वर्क करा उसमें कैसे तैयारी करी पूरी? सर जो मुझे शेड्यूल मिला गया था सर इस तरह से, वो अप्रोक्स 70 डेज का था सर, और वो हर शेड्यूल सर पार्ट में बटा हुआ था, मींस यू कैन से पर वीक हिसाब से बटा हुआ था कि आपको 6 दिन में क्या करना हो, 7वें दिन में, एक वीक में संडे को क्या करना है। तो सर 6 दिन का सर मींस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सर सबका एक एक पार्ट उसमें लिखा हुआ था सर, आपको उतनी पूरी तैयारी करनी है। और आपको इस रन में सर हर जैसे एक टॉपिक आज आपने कंप्लीट किया तो उसी का सर डायरेक्ट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहता है इस रन में सर, उसमें सर लगभग अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन जस्ट पढ़ने के, या तो आप सुबह पढ़े तो शाम को आप जस्ट वो क्वेश्चन अप्लाई कर दीजिए। तो मैं यही क्या करता था सर कि क्वेश्चन अप्लाई कर दिया करता, और एक बार जब सब 6 दिन सर सारा चीज पढ़ लिया करता था, तो सर 7वां दिन हम लोग का वीकली टेस्ट होता था, तो उस वीकली टेस्ट में सर अपियर होके सर उसमें पता चलता था कि आप किस लेवल पे हैं। तो वो सर सर बहुत फैक्टर मैटर की सर उसके बाद, तो उसमें सर मीन्स अब मान लीजिए किसी में जैसे सर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं बना हमसे, तो मैं तो यहाँ पे हूँ, तो अब सर क्वेश्चन नहीं बना तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर सर इस सरल ऐप में ही मिल जाएगा। सारा आंसर के साथ रहता है, सारा असाइनमेंट आपका आंसर के साथ रहता है, सारा एक्सरसाइज आपका आंसर के साथ रहता है। तो सर आपको, आप उस रेंडमली उसको रिवाइज उसको देख सकते हैं कि आप कहाँ गलती करते हैं, या फिर आपने किसी और मेथड से बनाया तो उसने किस मेथड से बनाया, तो सर आप उससे जज कर सकते हैं सर कि ये प्रोसेस नहीं, मुझसे अच्छा प्रोसेस ये है या मुझसे खराब प्रोसेस ये है। तो उस बेसिस पे सर मैंने तैयारी स्टार्ट की, और सर हालांकि मैं इस लेवल तक चला, मैं सर स्ट्रिक्टली और ब्लाइंडली बोल सकते हैं आपकी, मैंने शेड्यूल को फॉलो किया, सारे अपने काम को सर स्ट्रिक्टली फॉलो किया सर, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और असाइनमेंट में पूरी टाइम टेबल पे करता रहा, टेस्ट देता रहा, तो सर उसी कारण से शायद मैं सर आज यहाँ पे। क्या बात है, तो बेसिकली मतलब आपने वो जो शेड्यूल मिला उसको, वो जो वो 70 दिन जो बोल सकते हैं तो शेड्यूल में कि भाई एक एक दिन का शेड्यूल आप फॉलो करते गए और जो उसमें लिखा था उसको आप क्रैक मारते गए। यस बहुत बढ़िया। तो देखो यार बच्चों, इसमें जो अपूर्व ने पूरा जो टाइम टेबल फॉलो करा, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट। 11 से 13 घंटे रोज पढ़ के टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए, शेड्यूल में लिखा हुआ है टेस्ट देना है तो टेस्ट देते हुए ये सब चीजें फॉलो करी। तो अपूर्व अब ये बताओ, बच्चों का ये भी काफी क्वेश्चन रहता है कि जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स रह गए थे भाई, यार पहले तो एक तो इतना बड़ा फेलियर, मतलब फेलियर क्या बोलेंगे उसको, जनवरी में मतलब एक ठोकर खाई, उसके बाद पूरे उठ खड़े हुए यार। अब जो वीक टॉपिक्स रह गए थे, वीक टॉपिक्स का तुमने क्या करा, कैसे स्ट्रॉन्ग करा उनको? सर हालांकि मेरा सर 11th में सबसे सर यू कैन से बोरिंग टॉपिक सर कह सकते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स थी, जो सर मुझे कभी होती नहीं थी। तो सर मैंने वीडियो लेक्चर जब स्टार्ट की सर, तो मुझे सर समझ में आने लगा, मैं कनेक्ट कर पाने लगा सर रोटेशनल डायनेमिक्स से बेटर वे में, मैं इमेजिन करने लगा सर कुछ कुछ सर जैसे कुछ घूमता हुआ दिखता था सर, वो रियली में वहां पे दिख रहा था, 3D कनेक्शन होने लगा था सर, जिस कारण से सर मुझे अच्छा व्यू मिला, मैं सर अच्छा से इस क्वेश्चन को सर मेथड से सॉल्व करने लगा सर, मीन्स मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो गए थे कि मैं सॉल्व करने लगा। तो सर इस सब कारण की वजह से सर
मुझे सर बहुत अच्छा, मैं अपने आप वीक पोर्शन को सर मैं अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और सर जिस क्वेश्चन में मुझे सर जैसे किसी किसी क्वेश्चन होता है सर जिसमें मुझे बहुत ज्यादा डाउट आए थे, तो सर मुझे इस सर के द्वारा सर प्रोवाइड किया गया था डाउट नंबर में, उसमें सर सारे अपने डाउट्स को भेज दिया करता था, वो लोग समझा दिया करते थे कि इसमें क्या है क्या, मेरे मतलब डाउट क्लियर हो जाया करते थे सर। इस बेसिस पे भी मैं स्ट्रॉन्ग होता गया सर। सर केमिस्ट्री में मेरे सर ऑर्गेनिक बहुत मतलब वीक थी, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो सर उसमें भी मुझे हालांकि यही सर मदद मिला सर, प्रोजेक्टर से काफी मदद मिला, वीडियो से बहुत मदद मिला और डाउट क्लियर होता गया सर। ओके तो बेसिकली जो आपको पूरा विजुलाइज होगी चीज है उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और आपने डाउट्स अपने क्लियर करते गए, बहुत ही बढ़िया। अपूर्व ये तो चलो प्रिपरेशन वाली बात हो गई कि तुमने पूरा वीडियो लेक्चर देख कर सब करके एकदम मचा दिया, मेहनत कर ली, लपक के मेहनत करी, शेड्यूल फॉलो करा। एक जो मोटिवेशन वाली बात जो होती है कि यार 39 परसेंटाइल आए मतलब, और उसका जो डीमोटिवेशन था भाई एक 13th है, अलग से अलग प्रेशर चल रहा है दिमाग में कि अब लास्ट अटेम्प्ट ही बचा है, तो ये डीमोटिवेशन से तुमने कैसे मतलब कैसे मोटिवेटेड रहे तुम? सर ये तो सर सबसे बड़ा सर मेंटरशिप दिया जाएगा, क्योंकि सर कभी भी कोई सर स्टूडेंट सर जब डिमोटिवेट होता है तो उसके लिए कोई नहीं होता आसपास, जैसे वो पेरेंट्स से तो शेयर कर नहीं सकता सर, वो हालांकि ज्यादा ज्यादा क्या बोल सकेंगे कि तुम मेहनत करो ये करो, बट सर एक मेंटर होना बहुत जरूरी है सर, जो मुझे पिछले इंस्टीट्यूट में नहीं मिला सर। और मैं जब मैं सर यहाँ पे इस रन में दाखिला लिया सर, तो मुझे आदित्य मित्तल सर के रूप में सर मुझे एक मेंटर मिले, वो कोइंसिडेंटली सर वो पहले दिन ही मुझे मिल गए थे, वही उसी ने उन्हीं ने मुझे सब कुछ समझाया सर। अच्छा। और सर जब जब भी मैं सर एक बात है सर कि आप 11 से 13 घंटा सर आप कभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो ये ह्यूमन नेचर है कि सर आप रोज नहीं पढ़ सकते रेगुलरली जब तक आपके पास एक इसके पीछे कारण नहीं हो। तो सर मेरे लिए भी सेम ये था कि अचानक शिफ्ट करना 11 से 13 घंटा सर, वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो कभी बार में होता था सर कि अब लगता था कि अब नहीं हो सकता छोड़ देते हैं, अब नहीं हो सकता छोड़, बट उस कारण से सर मेरे मेंटर उसमें बहुत बहुत बड़ा रोल निभाया, क्योंकि सर उस सर जब कोई आपसे उम्मीद लगाए बैठे रहता है सर मीन्स होता है बोलते रहते थे कि सर तुम कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते हो, हमारे पास भी है टाइम है बहुत, तो ऐसे ऐसे सर मुझे मोटिवेट किया गया सर मेंटर आदित्य मित्तल सर थे, तो उसमें सर मुझे लगता था कि मुझसे ज्यादा उम्मीद तो उनमें है, तो सर उनके लिए जरूर कुछ करना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा रोल है सर किसी भी स्टूडेंट के लिए, मेंटरशिप होना बहुत बड़ा सर होता है। मोटिवेट क्या करें मेरे लिए सर खासकर वही मेंटरशिप जो मुझे इस सर ने प्रोवाइड हुआ है, और एनी टाइम यू कैन टॉक विद हिम सर, सबसे बड़ी बात ये है कि कभी भी किसी भी टाइम में वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। क्या कोई भी डाउट? बहुत बढ़िया, जीवन में एक मेंटर का होना डेफिनेटली बहुत जरूरी है, जो हमको समझता हो, हमको हमें विश्वास रखता हो, हमें जानता हो कि हम कर सकते हैं, हमें मोटिवेट करें। ये बच्चों के साथ ही नहीं मतलब हर एक मोड में जिंदगी के एक मेंटरशिप की एक मेंटर के होने की बहुत जरूरत होती है, स्पेशली ये जो कोविड का टाइम था, इतना मतलब इतना सराउंडिंग्स में सब चल रहा है, इसमें तो और ज्यादा मतलब हमको मोटिवेशन की और ज्यादा जरूरत थी, कि सब तरफ से नेगेटिव न्यूज और नेगेटिविटी चल रही थी, और ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत थी इसमें। अपूर्व लॉकडाउन का फायदा मिला क्या कुछ, जो लॉकडाउन के कारण से जो चीज अप्रैल से सितंबर में एक्सटेंड हो गई, कुछ फायदा मिला क्या उसका? ये सर बहुत फायदा मिला इसका, तो सर आप बोल नहीं सकते कितना फायदा मिला सर। जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ तो सर मुझे इसराइल की तरफ से सर फिर न्यू शेड्यूल मिल गई, वो पूरा फिर उसी तरह सर मुझे असाइनमेंट मिली होम सर, फिर जैसे एक्सटेंड हुआ तो फिर मुझे न्यू शेड्यूल मिल गई, उस हिसाब से सर मीन्स मेरे पास सर एक टास्क हुआ करता था हर बेसिस पे, हर डे के बेसिस पे मुझे एक टास्क दिया जाता था जो मुझे पूरा करना ही था किसी भी हालत में, तो ये भी सबसे बड़ी फैक्टर है सर इस सरल की तरफ से कि आपको कभी छुटकारा नहीं मिला कि सर आप खेल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था कि आप टाइम वेस्ट कर सकते हो, वो अगले दिन सर आपको न्यू शेड्यूल विद न्यू टास्क दे दिया करते थे, जिस कारण से सर मुझे। और सर दूसरा बात है कि उस टाइम सर अगर डीमोटिवेट हो जाना तो बहुत खराब होता है, क्योंकि सर आप अगर टाइम बढ़ रहा है तो सर बहुत कोई हल्के में ले लिया करते हैं, बट सर मुझे आदित्य मित्तल सर रेगुलरली मोटिवेट करते रहते थे कि जीवन कभी भी हो सकता है, सर कोई ठीक नहीं है, हो सकता है लॉकडाउन में ही हो जाए, तो ऐसा ऐसा बात बोल के सर वो मुझे लगता था कि नहीं नहीं अब तो टाइम बढ़ गया, तो टाइम मिल गया तो पढ़ते रहना, जिस कारण से मुझे सर टास्क बनने में और मेहनत करने में और सर रुचि होती गई। तो जो पेपर एक्सटेंड हुआ उसका आपने भरपूर फायदा उठाया एकदम शेड्यूल बाय शेड्यूल फॉलो करके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
तो अपूर्व, अब जब तुम ये सितंबर का अटेम्प्ट दे रहे थे और तो पुराना 39% भी दिमाग में था कि यार अब ये, और दूसरा प्रेशर की भाई ये तो लास्ट अटेम्प्ट बचा है, तो क्या मेंटल स्टेट थी, मतलब वो था क्या दिमाग में कि 39% आया है, पहले उसका प्रेशर था? सर ये कहीं ना कहीं सर थोड़ा सा तो होता ही है कि सर अगर आप 39% आए हैं या आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इस मींस इसके बाद आप ड्रॉप लेने, ये बहुत कम ही होता है कि सर कोई ड्रॉप ले पाता है इसके बाद, तो सर मेरे पास ये लास्ट अटेम्प्ट, आप कह सकते हैं लास्ट अटेम्प्ट, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा था। बट सर जिस तरह मेरी तैयारी हुई, जिस तरह मैं क्वेश्चन को सॉल्व, बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि सर मैं इस बार अच्छा कर सकता हूँ, मीन्स आई कैन डू बेटर सर दिस टाइम। और सर जब आप सर कोई स्टूडेंट सर जब कोई क्वेश्चन किसी से बनता है, क्लियर होने लगता है, जब क्वेश्चन बनने लगता है तो सर उसमें अलग तरह की मोटिवेट आ जाती है कि ही कैन डू बेटर देन सर, मुझे लग रहा था कि सही है। तो जब एग्जाम दे के निकले थे तो ये था क्या कि इस बार 99% फोड़ दोगे? ये नहीं पता था कि सर 99 कुछ आ जाएंगे, जो कि मेरे लिए सर एक चौंकाने वाली थी सर, बट इतने मेहनत थी कि सर ये ला सकता, ऐसा नहीं कि सर नहीं ला सकता। तो अपूर्व पूरी ई सरल टीम को आपके ऊपर बहुत नाज है, आपने यार एक ऐसा एग्जांपल सेट करा है कि मतलब एक बार गिरकर उठने वाले को ही जो है, मतलब चैंपियन जो होता है ना वो गिरकर उठने वाले को ही बोलते हैं, और ये इतना पॉसिबल है, सबसे बड़ी चीज है बच्चों ये सीखने की, ये देखने की यार ये पॉसिबल है, नहीं तो यार 39% मतलब आप मान के चलो लगभग 500,000 रैंक, उसे 99.5% 5,000, तो 500,000 से 5,000 रैंक, इट्स अ वेरी बिग जंप डेफिनेटली यार, ये पॉसिबल है, और इसके पीछे महीनों की कड़ी मेहनत, सिस्टमैटिक प्रिपरेशन और एक पूरा मोटिवेशन है। तो जब अपूर्व कर सकता है तो कोई भी बच्चा कर सकता है, और हमको पूरी मेहनत के साथ में तैयारी करनी है। तो अब हम अपूर्व के पेरेंट्स से ही बात करेंगे और उनका एक्सपीरियंस भी सुनेंगे। यस सर। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है सर। आपको बहुत 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 बधाई हो। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। तो ये जो पूरा भाई जनवरी में अपूर्व की 39% बनी थी, और फिर उसके बाद में अभी सितंबर में 99% बनी, तो ये जो पूरी ये जो पूरे 6-7 महीने हैं, तो इसने कैसे मेहनत करी और क्या करा, थोड़ा आप भी बताइए ना सर। पहला कारण तो COVID-19 का भरपूर उपयोग किया सर, इतना सही अच्छा मेहनत किया, मैं घर में लॉक हो गया तो दूसरा कोई उपाय नहीं था पढ़ने के अलावा, कहीं नहीं गए, तो आप लोगों का सुनते थे, गाइडलाइंस मिलते रहता था जो कि हम पूछते रहते थे, उनको बताया कि इन्हें गाइडलाइन हमको मिल रहा है। तो ये वो अपना टैबलेट लेके बैठा रहता था, तो आपको लगता नहीं था कि टैबलेट में क्या कर रहा है ये? जब दोनों फिंगर ही लगाता था हमको डर लगता था कहीं गेम वेम नहीं खेल रहा है। हाँ। लेकिन हम जब चेक करते थे तो पीछे में शीशा है, शीशा से चेक करते थे तो लगता नहीं तब पढ़ रहा था। जब ये जनवरी के बाद में आपसे आके बोला कि भाई मेरे को अब घर रह के तैयारी करनी है, और फिर जो इसने तैयारी करी, तो आपको कैसा लगा वो? मतलब उस समय तो लग रहा था कि इससे नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, इस सरल में कम्युनिकेशन जो है ठीक बैठ गया, ज्यादा गैप नहीं हुआ, हम लोग तो उतना गाइडलाइन दे नहीं पाते क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन में हमारे परिवार का कोई नहीं गया है, तो लग रहा था कि गैप हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का इस सरल के माध्यम से गैप बना हुआ रहा। तो बहुत बहुत अपूर्व की जो पूरे घर की, भाई देखिए सबकी, आंटी की भी पूरी मेहनत है, आपकी पूरी मेहनत है, देखिए घर वालों की बिल्कुल बराबर की मेहनत होती है, तो भाई बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद, और हम पूरे ईसरल परिवार की तरफ से पूरे परिवार को आपको शुभकामनाएं देते हैं।